नमस्ते, सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाजियाबाद द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून पाठ 10 जिसका शीर्षक है क्रिया और काल के भाग 2 के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ के भाग 1 के वीडियो में आपने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, काल किसे कहते हैं, काल कितने प्रकार के होते हैं। पाठ 10 के भाग 2 की इस वीडियो में हम इस पाठ के समस्त अभ्यास कार्य को करेंगे और इसे समझेंगे। बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। हमारे प्रथम अभ्यास कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह मौखिक अभिव्यक्ति प्रश्न है। प्रथम प्रश्न है, क्रिया क्या होती है समझाइए। उत्तर, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, अकर्मक व सकर्मक क्रिया का एक एक उदाहरण बताइए। उत्तर, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है नेहा खेल रही है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है विशाल गाना गाता है। तीसरा प्रश्न है, काल किसे कहते हैं। उत्तर, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, तीनों कालों के एक एक वाक्य बताइए। उत्तर, वर्तमान काल, मैं अपने भाई के साथ खेलता हूँ। भूतकाल, वह बाजार गया था। भविष्यकाल, मैं आपका कहना मानूंगा। अब हम कुछ और प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रथम प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं। उत्तर, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। द्वितीय प्रश्न है, क्रिया के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। उत्तर, क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रथम सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया।
तीसरा प्रश्न है, काल किसे कहते हैं? उत्तर, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। उत्तर, काल के तीन भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यकाल। अगला प्रश्न है, उचित क्रिया शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। पहला रिक्त स्थान है, कुम्हार बर्तन बनाता है। इस वाक्य में बनाता शब्द रिक्त स्थान में आएगा। दूसरा वाक्य है, कविता पाठ पढ़ रही थी। इस वाक्य में पढ़ क्रिया शब्द आएगा। तीसरा वाक्य है, कल वर्षा होगी। इस वाक्य में होगी क्रिया शब्द आएगा। अगला वाक्य है, शेर ने हिरण को मारा। इस वाक्य में मारा क्रिया शब्द आएगा। अगला वाक्य है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इस वाक्य में उड़ते क्रिया शब्द आएगा। इस अभ्यास कार्य में हमें निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया पद को रेखांकित करके अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों के सामने आ तथा सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों के सामने सा लिखना है। पहला वाक्य है, राकेश रोटी खाता है। इस वाक्य में क्रिया पद है खाता है, परंतु इसमें कर्म भी दिया हुआ है रोटी, अतः यह सकर्मक क्रिया है, इसलिए हम यहां सा लिखेंगे। दूसरा वाक्य है, बच्चे हंसते हैं। इस वाक्य में हंसते हैं क्रिया पद है और यहां कर्म नहीं दिया गया, अतः यह अकर्मक क्रिया है, हम यहां आ लिखेंगे। तीसरा वाक्य है, रमेश ने मिठाई खाई। इस वाक्य में खाई क्रिया पद है और मिठाई कर्म है, इस वाक्य में कर्म दिया है, अतः यह सकर्मक क्रिया है, इसलिए हम इस वाक्य में सा लिखेंगे। अगला वाक्य है, नौकर घर साफ करता है। इस वाक्य में क्रिया पद है साफ करता है और कर्म है घर, अतः यह सकर्मक क्रिया है, हम यहां सा लिखेंगे। अगला वाक्य है, छोटा बच्चा रोता है। इस वाक्य में क्रिया पद है रोता है, इस वाक्य में कर्म नहीं है, अतः यह अकर्मक क्रिया है,
इसलिए हम इस वाक्य में आ लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल बताइए। हमें ये सभी वाक्य सही से पढ़कर समझकर यह लिखना है कि इस वाक्य में किस काल के विषय में बताया गया है। पहला वाक्य है, मौसम सुहावना है। यह वर्तमान काल है। दूसरा वाक्य है, तुम खेलने कब जाओगे। इस वाक्य में भविष्यकाल है। तीसरा वाक्य है, बच्चे पढ़ रहे थे। इसमें भूतकाल है क्योंकि यह काम हो चुका है। अगला वाक्य है, हम नैनीताल गए थे। यह भी भूतकाल है। अगला वाक्य है, रीना घर जा रही है। यह वर्तमान काल है। बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला वाक्य है, क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का पता चले उसे कहते हैं क्रिया, काल या वचन। सही उत्तर है काल। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान काल से पता चलता है क्रिया के अभी होने का, हो चुकने का, भविष्य में होने का। सही उत्तर है अभी होने का। तीसरा वाक्य है, भविष्यकाल से पता चलता है कार्य हो गया, होगा, हो रहा है। सही उत्तर है होगा। अगला वाक्य है, सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल पड़ता है काल पर, क्रिया पर या कर्म पर। सही उत्तर है कर्म पर। बच्चों, वीडियो के इस भाग में हमने पाठ का सभी अभ्यास कार्य किया है। इस पाठ के अंत में हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं। आपको यह इस पाठ को पुनः पढ़ना है और विद्यार्थी समस्त अभ्यास कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो में जो पढ़ाया गया है या समझाया गया है उसे अच्छी तरह से समझने वाले हो सकेंगे। आप दोबारा इस वीडियो को देखें और अच्छी तरह से इस पाठ में दिए गए हर चीज को अच्छे से समझें। धन्यवाद।